कमीशन की घोषणा की थी उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। और आप भी यदि सोचते हैं कि अगला साल चुनाव का रहेगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, फिर सारी चीजें शांत हो जाएगी, आप मुकालते में है महोदय, सारी चीजों का हिसाब किताब चुनावी वर्ष में ही किया जाएगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से शासन इस धोखे में न रहे कि कर्मचारी हमारे लिए नौकर हैं। निश्चित रूप से जिस सरकार ने भी कर्मचारी अधिकारी को हल्के में लिया है उसने जरूर धोखा खाया है। और साथियों, ये सरकार वास्तव में 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों को बिल्कुल हल्के में ले रहा है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक एक कर्मचारी के पीछे उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। जब बारी आएगी तो वक्त मिलने पर बता देंगे। जरा साथियों, और मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं हौसले के तर्कस में कोशिश की वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तर्कस में कोशिश की वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की भी उम्मीद जिंदा रखो। साथियों, विजय हमारा निश्चित है। बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, कितना साहस है उसके, सरकार उसके भी साहस को देखने की उसकी कोई औकात नहीं है। कर्मचारी अधिकारियों के मामले का जो केवल हमारी खैरी की परीक्षा ले रहा है, बड़े ही विनम्रता के साथ मैं यहाँ पर प्रजा का मंत्री।